अच्छे और मजेदार न्यूज हिंदी में देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में रहे बेल आइकॉन को दबा दीजिए। मेडेलिन, बच्चों को घर के बाहर रखी खाली सीवर पाइप में घर घर बनाकर खेलते देखा होगा, लेकिन एक कपल पिछले 22 साल से एक सीवर पाइप में ही अपना घर बसा कर रहा है। इस दंपत्ति की कहानी ऐसी है जो किसी को भी भावुक कर सकती है। दरअसल कोलंबिया की राजधानी मेडेलिन में मारिया गाजिया की मुलाकात मिगुएल रेस्ट्रेपो से पहली बार हुई थी। इन दोनों की मुलाकात के समय दोनों की स्थिति एक जैसी ही थी। इन दोनों को ही ड्रग्स की लत थी और ये लत इतनी बढ़ चुकी थी कि दोनों अपनी जिंदगी को समाप्त करने की सोच रहे थे, लेकिन खुदा को मंजूर कुछ और ही था। दोनों ने एक साथ जिंदगी बिताने की सोची और नशे की लत को छोड़ दिया और फिर दोनों ने मेडेलिन की सड़कों पर ही रहने लगे। यह जगह हिंसा और बड़े पैमाने पर नशीले पदार्थों की तस्करी के लिए जानी जाती थी। उस समय इन दोनों को एक सीवर में रहने लगे। अब वे पिछले 22 सालों से यहीं बसे हुए हैं। इनका न तो कोई परिवार था और न ही इनके पास पैसे थे, इसलिए मारिया और मिगुएल एक दूसरे का सहारा बने और शादी कर ली। एक साथ रहने के कारण इनके जीवन में काफी सुधार हुआ, लेकिन इन्होंने कभी इस सीवर को छोड़कर जाने के बारे में नहीं सोचा। सावर में बने इस घर में सभी सुविधा मौजूद है। इस घर में बिजली आती है, छोटा सा किचन है जिसमें खाना बनता है। घर में एक एंगल पर टीवी रखा हुआ है। इस घर को अंदर से देखने पर लगता ही नहीं है कि यह सीवर में बना हुआ है। दंपति का मानना है कि ये जगह काफी शांतिपूर्ण है और ये शहर की भाग दौड़ से भी दूर है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और कमेंट में अपने सुझाव दीजिए, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।